सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटो ज्ञान विकेतिक। अगर आपने गाइस लास्ट वाला वीडियो देख रखा है, पार्ट वन माय टाटा नेक्सॉन एवरेज टेस्ट, सो गाइस इस वीडियो में गाइस मैं गाइस एवरेज आपको बताने वाला हूँ। और गाइस आप देखोगे आप दिल्ली से हरिद्वार जाने तक का डिस्टेंस, सो वीडियो में बने रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। जैसा कि आपको पता था कि आज हम जा गए थे दिल्ली, तो हम अभी हैं दिल्ली से वापसी हरिद्वार की तरफ, और अभी हम हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। और गाइस काफी वैसे तो ये सही आई है, पहले अभी उस साइड से आया था, जैसे मैं तो ये वाली साइड भी सही है, ऑलमोस्ट साइड दोनों ही सही है भाई इसकी, एक ही जैसी साइड है दोनों, और दोनों इतनी स्मूथ है भाई, मजा आ रहा है बॉस। मतलब 100-110 पे गाड़ी, 100 की वैसे लिमिट डाली हुई है इन्होंने, लेकिन गाड़ी ऐसे चल रही है भाई मक्कन, पता ही नहीं लग रहा बॉस। एंड गाइस जो मेरा हाल फिलहाल चार्ज चल चुका है वो गाइस 303 किलोमीटर्स पॉइंट 2 चल चुका है, और गाइस एवरेज दे रही है हाल फिलहाल 17.6 की। ये इसलिए गिर गया गाइस क्योंकि बहुत गंदा वाला जाम लग रखा था कहीं पे, सिटी में बहुत गंदा जाम था, अदरवाइज हमारी जो माइलेज आ रही थी वो 21 की आ रही थी बॉस। आपने गाइस वो देखी होगा गाइस की पूरा अच्छा खासा आ रहा था एवरेज मेरा, और गाइस एकदम से गाइस गंदे तरीके से गिर गया गाइस एवरेज 17 पे, मेरा 21 तक पहुंच गया था पूरा। और गाइस तो गाइस अब आपको गाइस मैं एक बार जब गाइस मैं थोड़ा सा पास में आ जाऊंगा ना, मतलब जगह के जो मेरा मतलब होम के पास की है, तो तब अपनी जो डेस्टिनेशन जब आने वाली होगी गतिक की, गतिक फिर एक बार लाइव आएंगे। सो गाइस आपको तब मैं मतलब बताऊंगा कि अच्छे से कि पूरा कि कार में एवरेज कितना दिया है इस पर, कि आपको डिवाइड करके भी दिखाऊंगा पूरा अच्छे से, ठीक है ना गाइस। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट डे। सो गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ मेरी कार कितनी चली है। ऑलमोस्ट मेरी कार गाइस चल गई है ऑलमोस्ट 472.8 किलोमीटर्स, और एवरेज जो इसने दिया 18.4 का दिया। और गाइज इसके जो डंडे चले गए मैंने वापसी में आते समय, इसमें फुल टैंक कराया था पूरा का पूरा गाइज अप लेवल तक, दिल्ली से ही कराया था, दिल्ली के बाहर जो मेरठ एक्सप्रेस वे में गाइस जो मतलब मेरठ एक्सप्रेस वे से पहले पेट्रोल पंप है उससे कराया था मैंने। सो गाइस ऑलमोस्ट गाइस मुझे एवरेज ठीक ठाक मतलब ठीक दे दिया, और ये जो एवरेज गिरने का रीज़न है सिर्फ है ओनली कि जो ट्रैफिक है ना दिल्ली का, उसकी वजह से एवरेज बहुत गंदे तरीके से गिर गया गाइस। थोड़े मतलब जो जब सुबह था ना, मतलब ऑलमोस्ट मॉर्निंग का जो टाइम था उसमें इतना तो ट्रैफिक होता नहीं, तो इस वजह से उस तब तक भी उसने 2019 तक दे रही थी। जो शाम का समय होता है जैसे ऑफिस वगैरह से सब अपनी छुट्टी वगैरह लेते हैं ना, तो उस टाइम के लिए गाइस इसलिए इसमें थोड़ा सा कम हो गया एवरेज, तो यही था रीज़न गिरने का एवरेज। सो गाइस अब मैं आपको गाइस इसका जो कैलकुलेशन होता है ना उसका पूरा होने के बाद आपसे मिलता हूँ, मीन्स गाइस मैं मतलब कैलकुलेट करके आपको बता देता। सो गाइस मैंने कैलकुलेशन कर लिया अभी गाइस कार के अंदर, ऑलमोस्ट गाइस मेरा 27.5 लीटर का पेट्रोल भरा हुआ था, तो मैंने उसी से इसको डिवाइड करा है, और गाइस ऑलमोस्ट कार इसमें भी दिखा रहा है गाइस 501 की तो रेंज, और गाइस जो मैंने कैलकुलेशन करी उसमें भी गाइस 494 की रेंज दिखा रहा है। सो गाइस इससे गाइस पता चलता है कि गाइस की कार हम अच्छा खासा चला सकते हैं, और गाइस वैसे भी टाटा नेक्सॉन है तो इसको तो एसयूवी है, तो इसको थोड़ा सा लोग थोड़ा सा तेज से ही चलाएंगे रफ एंड टफ तरीके से पूरे, तो इस वजह से गाइस इसकी रेंज बिल्कुल ठीक है उस हिसाब से, अगर मैं इसको 18 के एवरेज से डिवाइड करूँ तो उस हिसाब से गाइस बेस्ट है, एवरेज तो ठीक है गाइस इसका ऑलमोस्ट। जब गाइस मैं यहाँ से चला था ऑलमोस्ट गाइस 15 था एवरेज, क्योंकि गाइस ये यहाँ पे ही चलती है वैसे भी आपको पता ही है ना, लोकल में चलाता हूँ तो इसलिए गाइस थोड़ा सा कम देती है यहाँ पे तो एवरेज है लोकल में, पर अगर हाईवे वगैरह पे चलाए तो अच्छा खासा दे देती है एवरेज। सो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन नेवर मिस माय अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक यू।